हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं टारगेट की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, जो कि बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं बोटनी। क्या पढ़ते हैं? बोटनी। इससे पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना गया है तो उसमें जाकर देखिए और शानदार से मज़ा उठाइए क्लास का। आज पढ़ेंगे पादप हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? हार्मोन का आज पढ़ेंगे, हार्मोन पादप हार्मोन पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को पास कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चलते हैं आज की क्लास पे। सबसे प्रथम क्लास से पहले, जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपको हारने का इंतजार कर रहे हो। तो दोस्तों, जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपको हारने का इंतजार कर रहे हो, तब आपको जीतने में मजा आएगा कि हाँ, क्या हम कर चुके। तो चलते हैं क्लास पे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्या? तो पादप हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? पादप हार्मोन। दोस्तों बता दें कि शाम 6:30 में क्या चलता है बायोलॉजी का क्लास, और सुबह 6:30 में क्या चलता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर, चल रहा है करेंट अफेयर का क्लास, जो कि 11 महीना का करेंट अफेयर चलता है, जो कि सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक का करेंट अफेयर चलता है। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा आप लोग, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग। तो चलते हैं आज की क्लास पर दोस्तों, आज की क्लास पर चलते हैं। जानते हैं पादप हार्मोन क्या होता है, पादप हार्मोन क्या होता है। सबसे प्रथम हार्मोन क्या होता है दोस्तों? हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ है जो अल्प मात्रा में जीवों में वृद्धि एवं उपाचीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। और बता दें कि पौधे में हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है। और बता दें कि फाइटो हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। और बता दें कि इसी के आधार पे हार्मोन को हम विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। सबसे प्रथम हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? सबसे प्रथम हम जानते हैं कि यह हार्मोन की खोज किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किए थे इस हार्मोन की खोज। तो इस हार्मोन की खोज किसने किए थे सर? तो आप लोग कहिएगा कि सर, इस हार्मोन का खोज डार्विन ने किया था। कौन किया था सर? तो आप लोग कहिएगा कि सर, डार्विन ने इस हार्मोन का खोज किया था। और बता दें कि यह हार्मोन है से पौधे में वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। क्या? यह हार्मोन पौधे में वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है, और इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सा में होता है। दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर, अभी बताए हैं कि पौधा इसमें इस हार्मोन का निर्माण पौधा के ऊपरी हिस्सा में होता है। तो सर, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग कहिएगा जी सर, समझ में आ रहा है। तो चलते हैं, लाइक कीजिएगा और चलते हैं। बार बार बोलेंगे नहीं से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करने का मन है कीजिए, नहीं करने का मन है नहीं कीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आपको कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं, बता दें कि यह पत्तियों के बिलगन में रोकता है। क्या? यह पत्तियों के बिलगन में रोकता है। दोस्तों बता दें कि इस हार्मोन में एसिटिक अम्ल और नेपोथेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल और नेपोथेलिक एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बता दें कि दोस्तों, यह है से खरपतवार को नष्ट करता है। क्या करता है? खरपतवार को नष्ट करता है। यह फूलों को गिरने से बचाता है। क्लियर है? तो आप लोग क्लियर है? तो चलते हैं आगे, जानते हैं कौन सा हार्मोन। आगे जानते हैं जेवरलिंस। क्या जानेंगे? जेवरलिंस। चलते हैं, ये क्या होता है? जेवरलिंस का मतलब होता है, आप लोग कुछ जानते होंगे कि जेवरलिंस का मतलब जर्मिनेशन। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, जर्मिनेशन यानी कि अंकुरित। क्या? अंकुरित। क्या? अंकुरित। तो जेवरलेशन क्या होता है? अंकुरित क्या होता है? बीज के अंकुरित में यह भाग लेता है। समझ में आ रहा है? जेवरलिंस के कारण जिस बीज में जेवरलिंस ज़्यादा होगा वह जल्द ही उकृत होगा। आप लोग जानते होंगे कि उकृत होगा। बता दें कि यह हार्मोन की खोज किसने किया था? तो आप लोग कहिएगा कि सर, इस हार्मोन की खोज किसने किया था? कुरोसवा ने किया था। किसने किया था? आप लोग कहिएगा कि सर, इस हार्मोन की खोज कुरोसवा ने किया था। और यह बौने पौधा को लंबा करता है। क्या करता है? यह बौने पौधा का क्या करता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर, लंबा करता है। क्या करता है दोस्तों? लंबा करता है। क्या करता है? लंबा करता है।
और बता दें कि कुरेशवा ने इसको कब खोजा कि था, तो 1926 ईस्वी में। क्या खोजा था, कब खोजा था, तो 1926 ईस्वी में। यह फल बनाने में मदद करता है, यह फल बनाने में मदद करता है। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यह बीजों की प्रस्तुति भंग कर उनमें अंकुरित करने करता है, यानी कि फल को यानी कि बीज को अंकुरित करता है। क्या करता है जेवलिन्स, तो आप लोग कह कि सर अभी हम आप बताए हैं कि ये फल को अंकुरित करता है, क्या करता है, अंकुरित करता है, समझ में आ रहा है ना। और जेवलिन्स है तो किससे निकाला जाता है, तो आप लोग कह कि सर कवक से निकाला जाता है। क्लियर है ना, एग्जाम में पूछा था से जेवलिन्स किससे निकाला जाता है, तो क्या इसका आंसर हो जाता, कवक से निकाला जाता है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। तो चलते हैं आगे, साइटोकाइनिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइटो मतलब क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर साइटो मतलब सेल होता है। सेल का टेक्निकल नाम क्या होता है, साइटो। हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बेहतरीन और जबरदस्त विस्तार से पढ़ेंगे कि साइटोकाइनिन के बारे में, समझ में आ रहा है ना। साइटोकाइनिन यानी कि सेल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उसमें, सेल चैप्टर में, सेल डिवीजन, सेल क्या है इसके बारे में हम सब बात पढ़ेंगे सेल के चैप्टर में। और सेल क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटो मतलब सेल, और कैनिन का मतलब आप लोग जानते होंगे, कैनिन का मतलब क्या होता है, डिवीजन करना, क्या होता है, डिवीजन करना है दोस्तों। आप लोग नहीं जानते हैं तो समझ जाइए, साइटोकाइनिन यानी कि डिवीजन में भाग लेता है, क्या करता है, डिवीजन में भाग लेता है। और इसको खोज किसने किया था, तो मिलर ने किया था। कौन किया था सर, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका खोज मिलर ने किया था। कब किया था, तो 1955 में। कब किया था, 1955 में। यहां क्लियर से लिख देते हैं। कब किया था, 1955 में। कब किया था, 1955 में। क्लियर है ना सर, तो आप लोग कहिएगा जी सर क्लियर है, क्लियर है। और इसका नामांकन किसने किया था, लिथाम ने किया था। किसने किया था, तो आप लोग कह कि सर इसका नामांकन यानी कि साइटोकाइनिन की कौन नाम दिया था, तो आप लोग कह कि सर लिथिन ने इसको साइटोकाइनिन नाम दिया था। और इसको खोज किसने किया था, मिलर ने किया था, समझ में आ रहा है। कब किया था, तो आप लोग कहिएगा कि सर 1955 में किया था। यहाँ तक क्लियर है ना सर, तो आप लोग कहिएगा जी सर यहाँ तक क्लियर है। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है, क्या करता है, काम करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। क्लियर है ना भाई, क्लियर है भाई। तो चलते हैं आगे जानते हैं, क्लियर है, तो चलते हैं आगे जानते हैं क्या होता है दोस्तों। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या करता है, कोशिका को विभाजन करता है। यही शब्द से साइटोकाइनिन के मतलब आप समझ सकते हैं कि साइटो मतलब सेल होता है, काइनिन का मतलब डिवीजन करना होता है। यानी कि यह साइटो यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्या करता है, कोशिका को विभाजन करने में मदद करता है, समझ में आ रहा है। कोशिका को विभाजन करने में क्या करता है, मदद करता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन के बनने में सहायता करता है, क्या करता है साइटोकाइनिन, तो आप लोग कहिएगा कि सर इस क्या करता है, तो आरएनए एवं प्रोटीन के बनने में सहायता करता है। क्लियर है ना भाई, क्लियर है यहां तक, आप लोग कहिएगा कि जी सर क्लियर है। बहुत सारा गर्मी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह बौने पौधा को लंबा करने के लिए करने में उपयोग किया जाता है। बौना पौधा हो जाएगा उसको लंबा क्या किससे करेंगे, किस हार्मोन से करेंगे, जिस तो बौने करने बौना पौधा को लंबा किया जाता है किस हार्मोन से, तो आप लोग बोलते हैं साइटोकाइनिन से, क्या साइटोकाइनिन से। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो चलते हैं आगे जानते हैं एब्सिसिक एसिड क्या होता है। इसको हम एब्सिसिक एसिड को आपको पेपर में मिलेगा ए बी ए इसको भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ए बी ए हार्मोन भी इसको कहा जाता है, ए बी ए हार्मोन यानी कि एब्सिसिक एसिड इसको कहा जाता है, समझ में आ रहा है ना। यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसका खोज किसने किया था, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका खोज कार्नस एवं एडिकोट किया था, कार्नस एवं एडिकोट इसका खोज किया था। तो आप लोग कहिएगा कि सर कब किया था, तो लिख लीजिए आप लोग, नोट बनाकर लिख लीजिए इसका खोज कब किया था, 1961 से 1965 के बीच में। क्लियर है ना यहाँ तक, क्लियर है। इसके बाद यानी कि
कार्नियस और एडिकोट खोजने के खोज लिया था, साइटोसिसिक एसिड के खोजने के बाद कौन खोजा था, तो बेरलिंग। कौन खोजा था, तो बेरलिंग। यहाँ का क्लियर है ना दोस्त, यहाँ का क्लियर होना चाहिए। यह होता है, यह है एब्सिसिक एसिड होता है दोस्तों, यह वृद्धिरोधी हार्मोन है। क्या है, वृद्धिरोधी हार्मोन है। क्या है, वृद्धिरोधी हार्मोन है। यह बीज को सुसुप्त अवस्था में रखता है, सुसुप्त अवस्था में रखता है। समझ में आ रहा है ना, सुसुप्त अवस्था में रहता है। याद कीजिएगा, इस सबको याद कीजिएगा। यह पतियों को बिलगम ने मुख्य भूमिका निभाता है। क्लियर है यहाँ तक। और इस क्या करता है, यह पुष्पासन को बांधक होता है, यानी कि यह पुष्पासन को बांधक होता है। यहां लिख लीजिए, पुष्पासन को क्या करता है, बांधक होता है। क्या होता है, बांधक होता है। क्लियर है ना। चलते हैं आगे, जानते हैं एथिलीन क्या होता है। यह बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, एथिलीन क्या होता है। एथिलीन एक गैस होता है। क्या होता है, ऐसा है, एथिलीन एकमात्र ऐसा गैस है, हार्मोन गैस है। ठीक है ना, यहाँ तक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसका खोज किसने किया था, तो बर्ग किया था। कब किया, कौन किया था, तो आप लोग बताइएगा कि सर इसका खोज कौन किया था, तो बर्ग किया था। कब किया था, तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका खोज 1962 में किया था। कब किया था, 1962 में। कौन किया था, कौन किया था, तो वर्ग किया था 1962 में। कब किया था, 1962 में। क्लियर है, क्लियर है। यह फल को पकने में मदद करता है। आप लोग देखे होंगे पेड़ में, तो पेड़ में फल पक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेड़ में फल पक जाता है। किसके कारण पक जाता है, कृमि यहाँ से पूछेगा, प्राकृतिक रूप से फल को पकना किस हार्मोन के कारण होता है, तो आप लोग बताइएगा एथिलीन को। एथिलीन को, क्या, एथिलीन को। समझ में आ रहा है ना चिल्ला, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कीजिएगा। और बता दें कि यह मादा पुष्प की संख्या को वृद्धित करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। मादा पुष्प के पुष्प की संख्या को वृद्धि करता है। यह पत्तियों और पुष्प की फलों के विलगन में प्रेरणा करता है। जानते हैं दोस्तों आप फ्लोरिजेंस जानते हैं। फ्लोरिजेंस क्या होता है, यह पत्ती में बनता है। क्या, फ्लोरिजेंस क्या होता है, पत्ती में बनता है, लेकिन इसमें फूल खिलता है। यह कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है और फूल खिलाने में मदद करता है। क्लियर है ना यहाँ तक, कि क्लियर है ना। यह पत्ती में बनता है और फूल खिलाने में मदद करता है। यह फूल देखने वाले हार्मोन है, फूल खिलाने वाले हार्मोन, इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। किसको कहा जाता है फूल खिलाने वाला हार्मोन, तो आप लोग बताइएगा कि सर फ्लोरिजेंस को कहा जाता है, फ्लोरिजेंस का कहा जाता है। क्लियर है ना, फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहा जाता है, फ्लोरिजेंस को कहा जाता है। क्लियर होना चाहिए। चलते हैं आगे, जानते हैं दोस्तों ट्रांसमेटिन हार्मोन क्या होता है। ट्रांसमेटिन हार्मोन एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है एक प्रकार को। इसका निर्माण कहाँ होता है, घायल कोशिका में होता है और इससे पौधा को जख्म भरता है। ठीक है, जख्म भरता है। जैसे कि आप काट दीजिएगा पेड़ को, तो वहां पे किसका जरूरत होगा, तो आप लोगों को कहिएगा कि सर ट्रांसमेटिन को जरूरत होगा। ट्रांसमेटिन के हार्मोन के कारण ही वहां गुट्ठा बन जाता है, यानी कि वहां पे गुट बन जाता है एक समूह से, और उसको हम किसके कारण होता है, ट्रांसमेटिन के कारण होता है। तो आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में आज के हम हार्मोन चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो आगे हम जानेंगे पादप रोग क्या होता है। अब 2-3 चैप्टर बच गया है बोटनी में, पादप हार्मोन क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण के, पादप रोग क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक पढ़ लेंगे क्या, और यहाँ एक पढ़ना है पादप रोग और एक पढ़ना है क्या, प्रकाश संश्लेषण। दो तीन चैप्टर बच गया है, तो उससे को हम कवर करेंगे और बोटनी खत्म हो जाएगा तो हम जूलॉजी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग को अभी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।